हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोग्य सीपी में। आज हम फिर एक और आयुर्वेदिक औषधि को लेकर आए हैं जो कई रोगों का नाश करती है। इसका वैज्ञानिक नाम ऑर्गेनम वुलगेर है। अंग्रेजी में इसे स्वीट मार्जरम भी कहते हैं और इसे मरुआ के नाम से जानते हैं। ये मरुआ जो पौधा है यह बहुत से औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। आज हम इसके उन्हीं औषधीय गुणों के बारे में बात करेंगे। इसमें मंजरी के जैसे पुष्प लगते हैं, ये एक फूल की तरह दिखते हैं, और जैसे हमारा तुलसी का जो बीज होता है या तुलसी की जो पत्तियां होती हैं, ठीक वैसे ही इनकी भी पत्तियां होती हैं। ये मरुआ अगर आप अपने आंगन में लगाते हैं तो जो रोग के जीवाणु हैं वह नष्ट होते हैं। आजकल बहुत सी बैक्टीरिया, बहुत से वायरस का जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो रही है। तो यदि हम ऐसे सुगंधित पौधों को लगाते हैं घर में या घर के आसपास, तो उसकी जो खुशबू है उसमें भी बहुत सारे रोगाणुओं को ख़त्म करने की शक्ति होती है। यदि आप इस पौधे को घर पे या गेट के पास लगाते हैं तो इससे आसपास का जो वातावरण होता है वह अच्छा रहता है और सुगंधित रहता है। जिस तरह से हम तुलसी को पवित्र मानते हैं, ठीक उसी तरह से मरुआ भी हमारा पवित्र माना जाता है। तो वास्तव में यह एक बहुत ही अच्छी औषधि और एक अच्छा पौधा है। बच्चों में अगर पेट का कीड़ा हो जाता है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस स्थिति में मरुआ सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत गुणकारी और हानि रहित प्रयोग है। इसका इस्तेमाल हम इन रोगों में कर सकते हैं। जैसे आप पुदीने की चटनी बनाते हैं, इसी तरह से आप मरुए की चटनी बनाकर उसका आप सेवन करें। मरुए की चटनी को आप इनकी पत्तियों को लेकर के पीस करके इसका सेवन करें। जिन बच्चों को पेट में कीड़ा है उनको भी खिलाएं, उससे लाभ होगा। अगर पेट में कोई इन्फेक्शन भी है या किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या पेट में कीड़े हैं तो मरुए की चटनी को खिलाएं, इससे बेहद ही लाभ होगा। पेट के कीड़ों को ठीक तो करता ही है, और छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप अगर चटनी नहीं भी खिला सकते हैं तो आप कुछ पत्तों को पीस करके रस निकाल लें। 4-6 बूंद रस जो है सुबह खाली पेट बच्चे को पिला देंगे आप, 3-7 दिन तक पिला दीजिए, तो उससे आप देखेंगे कि बच्चों के जो पेट के कीड़े हैं वह सब निकल जाएंगे। जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है या अपच की शिकायत है वह लोग मरुए की पत्ती को लेकर के उसकी चटनी बना करके थोड़ा सा अदरक डाल करके उसका सेवन करें। इससे अपच दूर होता है, भूख अगर कम लगती है तो भूख भी अच्छी लगती है, और यह जो पौधा है बेहद ही गुणकारी है। इन सब चीज़ों में इसका बेहद ही उपयोग है। इसके अतिरिक्त अगर किसी को सर्दी जुकाम है, जिस तरह तुलसी लाभकारी है हमारा सर्दी जुकाम में या बुखार में, ठीक उसी तरह मरुए की 8-10 पत्ती को आप ले लें और चाय की तरह उबालें। उबाल कर थोड़ा सा इसमें आप सौंफ डाल लीजिए, थोड़ी सी मुलेठी डाल करके आप अच्छे से चाय जैसे इसको उबाल लीजिए, काढ़ा बना लीजिए और इसका सेवन करिए। चाय जो हमारा होता है जिस तरह से नुकसान करता है पेट के लिए, चाय इनडाइजेशन के लिए जिम्मेदार होता है, और चाय से विविध प्रकार के रोग होते हैं। लोगों को जो एसिडिक प्रॉब्लम होती है वो भी चाय के वजह से होती है। वास्तव में चाय जो है बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसके द्वारा आप मरुए का सेवन करें, इसकी जगह पे आप मरुए का सेवन करें। इससे जो है अगर मरुए की चाय बनाकर हम लोग पीते हैं तो इससे हमारी भूख बढ़ती है और जो पेट की बीमारी है वह भी दूर हो जाएगी, और इससे आपका जो शरीर है वो तंदुरुस्त बना रहेगा और आपको भरपूर लाभ मिलेगा। जिनको सर्दी जुकाम खांसी होती है वह उसके लिए यह बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। जिनको ज़्यादा सर्दी हो जाती है वह लोग मरुओं को जो है ले लें और उसके बाद उसमें थोड़ा सा अदरक मिला लें, थोड़ी काली मिर्च मिला लें और लौंग मिला दें, और मरुए के पत्ते को गला करके काढ़ा बना लें, जिससे सर्दी जुकाम जो होता है उनका वो भी ठीक होगा, खांसी रहती है वो भी ठीक हो जाएगा। इससे जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और जिनको सर में दर्द रहता है या माइग्रेन रहता है वह लोग जो है इसके 8-10 बूंद पत्तियों का रस निकाल करके दोनों नाकों में 4-4 बूंद डालें। इससे माइग्रेन में आराम मिलेगा, और मरुए के जो पत्ते होते हैं उनको पीस करके माथे पर लेप करें, इससे भी माइग्रेन में लाभ होता है और सर दर्द में लाभ होता है। तो इसको आप सुबह सुबह खाली पेट 4-4 बूंद रस निकाल कर आप दोनों नासिका में डालें। इसके अतिरिक्त जिनको मुख की दुर्गंध आती है उसके लिए मरुए के ऊपरी भाग को तोड़ करके मुँह में रख करके धीरे धीरे उसे चबाएँ, इससे आपका जो मुख दुर्गंध है ये भी खत्म हो जाता है।
तो वास्तव में ये जो मरुआ था हमारा, ये बेहद ही लाभकारी पौधा है। इसे आप जरूर अपने घर आंगन में लगाएं। दोस्तों, ऐसे ही आयुर्वेद और औषधि से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।